दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क के एक सुपरस्टार की, एक ऐसे सुपरस्टार की जो अब पूरी दुनिया भर में राज कर रहा है। T20 में भी, वनडे में भी, दोनों की रैंकिंग में नंबर एक पर बना हुआ है और टेस्ट में नंबर चार पर है। बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूं और बाबर आजम ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 1013 दिनों तक नंबर वन पर बने रहने का जो विराट कोहली का रिकॉर्ड था उसको उन्होंने पार कर लिया है। तो ये अपने आप एक माइलस्टोन है उनके लिए कि T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर वन पर बने रहने का कीर्तिमान। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या विराट जो बाबर आजम है क्या कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं या उनकी होड़ में जो और लोग नंबर वन पे जो बने नंबर वन की होड़ में जो और बने हुए हैं क्या उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। ये बात देखिए, ऐसा कहकर हम कोई बाबर आजम का महत्व कम नहीं कर रहे हैं लेकिन यहां पर नंबर पांच तक के खिलाड़ियों का हम एक आकलन करेंगे जिनका जो T20 रैंकिंग में टॉप पांच में बने हुए हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, बाबर आजम का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या बाबर आजम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या उनके अपोनेंट जो है खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखना भी यहां पर बहुत ही दिलचस्प होगा। और अगर हम देखें तो उन्होंने तकरीबन 2700 रन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 क्रिकेट में बनाए हैं, तकरीबन 46 की औसत से, जो बहुत अच्छा औसत कहा जा सकता है T20 क्रिकेट में। और अब तो उनका स्ट्राइक रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है और स्ट्राइक रेट भी मैं तो यही कहूंगा क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं, शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा हर मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने या 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत भी नहीं होती। आप मैच जिता रहे हैं अपने टीम को, चाहे आप 130 के स्ट्राइक रेट से खेलें, उसका भी अपना ही महत्व है। अगर हम देखें तो पहले ये कहा जाता था कि ये खिलाड़ी इसका स्ट्राइक रेट बहुत तेज स्ट्राइक रेट नहीं रहता, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं रहता, लेकिन अगर आप सेंचुरियन का मैच याद करें, साउथ अफ्रीका में वो मैच खेला गया था, वहां इस खिलाड़ी ने 59 गेंदों पर 122 रन की पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया था। 15 चौके और 4 छक्के इस खिलाड़ी ने लगाए थे और इससे पिछली मैच में जोहानिसबर्ग में 50 रन की शानदार पारी इन्होंने खेली। नॉटिंघम का वो मैच याद कीजिए जब ये खिलाड़ी ने 85 रन की शानदार पारी खेली थी और वो भी केवल 49 गेंदों पर, और मोहम्मद रिजवान के साथ इन्होंने 150 रन की शानदार पार्टनरशिप का अंजाम दिया था। 68 रन की पारी आप याद कीजिए भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में जब इन्होंने 52 गेंदों पर वो पार्टनरशिप की और 152 रन की पार्टनरशिप की मोहम्मद रिजवान के साथ, और T20 वर्ल्ड कप में 4 हाफ सेंचुरी उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की ही बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा उन्होंने एग्जाम्पल साबित किया है। और यहाँ एक सच ये भी है कि पिछले साल बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत हल्का रहा था, कमजोर रहा था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में जरूर वो चले थे लेकिन ओवरऑल इन दोनों टीमों के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। अब यहां पर अच्छी बात यह भी है कि आज T20 क्रिकेट में भी वो नंबर वन है, वनडे क्रिकेट में भी नंबर वन है और टेस्ट में नंबर चार है। और T20 में नंबर वन और नंबर टू दोनों पाकिस्तानी है, यानी रिजवान नंबर दो पर है और वनडे में भी दोनों पाकिस्तानी जो टॉप पर हैं, दोनों पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं, नंबर वन पर बाबर आजम और नंबर दो पर इमामुल हक, जिन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है पिछले दिनों, और वहीं नंबर चार पर टेस्ट क्रिकेट में वो बने हुए। अब सवाल है कि जो बाकी खिलाड़ी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में, या ये कहिए कि जो T20 की होड़ में बने हुए हैं, तो रिजवान है दूसरे नंबर पर जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आज बाबर आजम को कोई खतरा है T20 में किसी से तो वो अपने ही मुल्क के मोहम्मद रिजवान से है। तीसरे नंबर पर आते हैं एडन मार्करम। मार्करम की अगर हम बात करें तो पिछले 7 महीने से T20 नहीं खेले हैं वो, तो ये उनके लिए एक परेशानी का सबब है, इसलिए उनसे भी उनको कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नंबर चार पर डेविड मलान आते हैं जो पूर्व नंबर वन खिलाड़ी रह चुके हैं, पहले नंबर वन हुआ करते थे कभी जब बाबर आजम से पहले डेविड मलान, लेकिन पिछले 9 मैचों से ये खिलाड़ी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया है। आखिरी जो इनकी एक अच्छी पारी थी 76 रनों की वो साउथहैम्पटन में थी,
और वहां पर इस खिलाड़ी ने एक अच्छी पारी जरूर खेली थी, लेकिन ओवरऑल जो है पिछले कई मैचों से, 9 मैचों से ये खिलाड़ी का ऑलमोस्ट फ्लॉप शो चल रहा है, वैसा परफॉर्मेंस ये कर नहीं पा रहे हैं। आरोन फिंच की बात करते हैं, ये नंबर 5 पर चल रहे हैं और ये T20 वर्ल्ड कप हो और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हो, इन दोनों में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया रहा, खराब रहा, और जिससे सीरीज गवाई, सीरीज में इन्होंने इनका प्रदर्शन बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बना इनके लिए, लेकिन अब ये दोबारा से रिवाइव होना शुरू हुए हैं, लेकिन अब तक कहीं बहुत ज्यादा देर तो नहीं हो गई, क्योंकि जो अंतर होता है रेटिंग पॉइंट्स जो मिलते हैं वो बाबर आजम के और एरन फिंच के काफी ज्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और टॉप 10 में अगर देखें तो भारतीय खिलाड़ियों में केवल एक ईशान किशन है जो नंबर 7 पर है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि बाबर आजम ने जो एक कीर्तिमान, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो विराट कोहली के नाम था, आज वो फख्र के साथ जो है हर पाकिस्तानी ये कह सकता है कि वो उनके खिलाड़ी के नाम है, तो अब इसको कितनी देर तक वो अपने स्थान पर बने रहेंगे वर्ल्ड नंबर 1, क्योंकि जो पिछली यादें थी उनकी, खासकर बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ की सीरीज की, उसको उन्हें भुलाना होगा, उसको पार करना होगा, और कंसिस्टेंटली रिजवान के साथ अपनी पारी को मजबूती देनी होगी, और वैसे भी T20 वर्ल्ड कप है और जो पाकिस्तान है एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। आप क्या सोचते हैं, कितना दावा मजबूत है पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में, बाबर आजम और कितने समय तक वर्ल्ड नंबर 1 बने रहेंगे T20 क्रिकेट में, जो कि एक कीर्तिमान अब तक अपने नाम कर चुके हैं, T20 नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट में भी वो नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 का उनका सिंहासन कब तक बरकरार रहेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।